पार्टनरशिप के टाइप्स, पहला वो डिपेंड करता है कि तुम उसको सामने वाले को, अब ला तो रहा हूं अभी, टाइप ऑफ पार्टनरशिप आ जाएगा अभी, देखना ना, तो तुम सामने वाले को कैसा पार्टनर बनाना चाहते हो। आइए, पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब है ना इच्छा, इच्छे के हिसाब से चलता रहेगा। जब उसका इच्छा हुआ, नोटिस दे दिया कि भाई मैं जा रहा हूं, नोटिस दे के हट सकता है, ये होगा ना। तो अपनी इच्छा पे है सर, जब तक भाई हमारी इच्छा, हम आपके साथ हैं, नोटिस दिया है ना, ब्रेकअप, काम खत्म। ठीक है, नोटिस प्रॉपर, कंपनी सेक्रेटरी सब तो ब्रेकअप भी करेगा, तो दिस इज टू नोटिफाई यू दैट है ना, ऑन ड्यू टू योर रिपीटेटिव एब्सेंस, मैंने तुम्हें बार बार बुलाया, तुम नहीं आई है ना, तो आई हियर बाई टेक अ डिसीजन टू पार्ट वे है ना। उसके बाद साइंड HD, साइंड डेट एंड साइन, और उसके बाद उसको भेज दो, कैसा रहेगा। और उसके बाद उसमें अटैचमेंट में आज तक तो जितना पैसा खर्च किया उसका बिल ऐसा नहीं होगा। चलिए सेकंड, और उसमें बाइंड भी कर देने, क्लॉज देखिए कि अगले 2 साल तक आप किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, दोस्ती करने पे आपको 2 लाख का कंपनसेशन देना पड़ेगा। अच्छा, पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या, किसी एक काम के लिए पार्टनरशिप हुआ, जैसे रोड बनाना है, रोड बनाया, काम खत्म। बोलो, एग्जाम में चीटिंग करने के लिए पार्टनरशिप किया, एग्जाम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। फिल्म जाने के लिए पार्टनरशिप किया, फिल्म के खत्म, कहानी खत्म, है ना, ऐसे ही है। तो पार्टिकुलर वेंचर, मेन मेन पॉइंट पर टिक लगाते जा रहे हो। और एक बात हमेशा याद रखा करो, ज्यादा पे भी तुम लोग टिक मत लगाया करो, कुछ लोगों को तो देखता हूँ हाईलाइटर से हद करके रखे हुआ है ना। अभी दिखाता हूँ एक दो बच्चे का हाईलाइटर, देखो ऐसे, अब तुम मुझे बताओ कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, जो बच गया या तो वो इंपॉर्टेंट होगा। अरे अच्छा, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन, इसमें क्या, अरे क्या हो गया, हम बोलो इसमें साल बता दो ना, पीरियड बता दो, 2 साल, 5 साल, और जो भी है आपने अगर टाइम बता दिया तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो। वो साल खत्म, कहानी खत्म। आ जाओ, पार्टनर कितने तरीके के, चार। पहला कौन, एक्टिव पार्टनर। सुनो, क्या ये डे टू डे बिजनेस में दिखाई देगा तुमको, बोलो यस। दूसरा है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, कुछ लोगों को बचपन में लगता था स्लीपिंग सोता रहता है, सोता नहीं है, इसका मतलब इससे अच्छा वर्ड ये है डॉर्मेंट। अच्छा चलो, डॉर्मेंट क्या डे टू डे में पार्टिसिपेट करता है, आता है क्या डेली ऑफिस। अच्छा रुको रुको, इधर देखो पहले, लेकिन वो लाइबल होगा, याद रखना, वो डेली नहीं आता है लेकिन लायबल होगा, क्योंकि वो शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस भी करता है, और ये देखिए बाउंड भी है ना। अरे सब कुछ तो कर रहा है, बस डेली ऑफिस नहीं आ रहा है, बाकी तो सारी कहानी यही, पैसा लगा भी रहा है और प्रॉफिट लेके भी जा रहा है, सब कुछ तो कर ही रहा है वो, ठीक है, बस वो डोरमेंट है। आइए अदर्स, अब अदर्स में तुमको दिखाता हूं दो नॉमिनल। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले मत देखो इधर, मुझे देखे बोलो। नॉमिनल वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपना नाम लेंड करते हैं, जाओ मेरा नाम यूज कर लो, ठीक है, अब बताओ लाइबल होगा। अच्छा नाम ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले फिर बोलो लाइबल होगा कि नहीं लाइबल होगा। कुछ लोग जबरदस्ती मुझे ना ऐसे देख रहे, मतलब इतना देखने की कोशिश करें कहीं मिल जाए, और उसको मिल गया है। गलती तो मेरी है ना, मैंने बोल्ड करके दिया हुआ है, एक बार बताओ। अच्छा क्यों लाइबल, जो उसने तो सिर्फ नाम दिया, वो तो आता होता भी नहीं है, पैसा वैसा भी नहीं लगाया, नाम जो दिया है उसके लिए तो कुछ पैसा लिया ही होगा। आपको मालूम है जब आप अपना नाम देते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देते हैं, आप रॉयल्टी लेते हैं, मालूम है जी, रॉयल्टी लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी फिल्म स्टार्स हैं वो प्रोडक्ट को अपना नाम ही तो देते हैं, क्या उसका पैसा नहीं लेते हैं क्या। तो फिर चलिए अगला, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, आ गया। अब होल्डिंग आउट तुम समझ में आ गया, मैं क्यों उस समय छोड़ रहा था, अभी देखो आ गया। ये एकदम स्पीड में पढ़ जाओ तो होल्डिंग आउट क्या होता है, तुम लोग कंपनी लॉ में भी पढ़ाया हुआ है।
फॉसली का स्पेलिंग ये भी होगा कि कुछ और ई भी लगेगा बीच में? फॉसली, ठीक है, ई आएगा ना बीच में, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब वो देख लेना, फॉसली लिखा मैंने, ठीक है, फॉसली पर्सोनेट एज पार्टनर। अब इसमें सबसे बहुत क्या इंपॉर्टेंट क्या था? फॉल्सली पर्सोनेट, तुम लोग को याद है भी कुछ दिन पहले पढ़ाया था पर्सोनेशन, अरे जो शेयर होल्डर होता नहीं है पर झूठ फूट के शेयर होल्डर दिखा के प्रॉफिट ले लेता है, याद होगा? उसमें कंपनी सर बहुत गुस्सा हुआ था, जेल वेल भेज दिया था, ऐसे यहां पे। अच्छा एक बात बताइए, आप मालूम चला किसी फर्म के पार्टनर नहीं है लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाते हो कि तुम उस फर्म के पार्टनर हो, तो इसका मतलब तुम फॉल्सली पर्सनेट करते हो एज ए पार्टनर, पर तुम सच में पार्टनर नहीं हो। और फॉल्सली पर्सनेट करके तुम फर्म के नाम पे कुछ पैसा लेके भाग जाते हो, तो उस पैसे के लिए फर्म लाइबल होगी या वो आदमी लाइबल होगा? आदमी लाइबल होगा ना। अभी तो सीएसएनकेजे सीएस क्लासेस, सुनिए, सीएसएनकेजे सीएस क्लासेस, मेरा नाम है, मेरा नाम यूज करके तुम लोग में से कोई बच्चा कहीं पर जब मालूम चला किसी रेस्टोरेंट में जाकर खा लिया, कहा कि नितेश सर के भाई हैं हम, अब मालूम चलो पहचानता है, तुम लोग भी तो कम फ्रॉड थोड़ी हो गए, पहले उससे पहले कंफर्म कर ली कि मुझे जानता है कि नहीं, पहले कंफर्म कर लिया, हाँ सर को जानता है, इज्जत भी देता है, झूठ फूट के मेरा फोटो भी दिखा दिया, या मेरा कोई आजकल बहुत ऐप आता है उसमें तुम जो चाहो बुलवा सकते हो उससे, जानते हो, जैसे मेरा फोटो ले लिया, अब मेरे मुंह से जो बुलवाना चाहो बुलवा सकते हो, ऐसा है एनिमेशन होता ना, और ऐसे करके बुलवा के देखिए वीडियो बना के सर भेजें, और उसमें तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे भाई को जो चाहिए उसको दे दो खाने के लिए, ठीक, अब तुम एकदम भर पेट पूरा बढ़िया से खा भी लिए, पैक भी करवा लिए 10 दिन का खाना, ठीक। अच्छा एक बात बताए, तुमने फॉल्सली पर्सनेट किया कि तुम मेरे भाई हो, पर तुम मेरे भाई तो नहीं हो। अच्छा वो जब रेस्टोरेंट वाला मेरे यहाँ आएगा पैसा मांगने, मैं दूंगा उसको? नहीं। अच्छा यस सर, मैं क्यों दूंगा? एक बात बताइए, वो फॉल्स फॉल्स वो फॉल्स पर्सनेशन था ना, अरे ये भी पढ़ने आया, पढ़ने दो ना इसको, बस ये काट ना ले किसी को, क्या कहते हो तुम लोग इसको? मधुमक्खी है ये, मधुमक्खी काला होता है, काली होती है, एग्जैक्टली बताइए क्या है, तो ये पता ही है जो भी है। अरे यार ये इसको पढ़ना है तो पढ़ के कहीं बैठ लो, सीट लो, ये डर है, ये काट लेता तो बीमार आदमी को बुखार उखार चढ़ जाता है, और सबसे ऊपर मैं ही बैठा हुआ हूँ, तुम लोग तो नीचे बैठे हुए हो, ये कहेगा कि ये घमंडी आदमी लग रहा है, काटो इसी को। चलिए सुनिए, तो आप गलत पर्सोनेट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए मैं कैसे लायबल हो जाऊंगा? ऐसे तो मेरे नाम पे कौन कहाँ वीडियो बना के क्या कर रहा होगा, छोड़ दो ना, तो छोड़ दो, तो पढ़ने दो, छोड़ो, अपना देख रहा है, वो चेक कर रहा है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, सरकार की तरफ से क्वालिटी चेक है ये, है ना। अच्छा सुनो, मैं क्यों लायबल हूंगा? अब मैं यहाँ बैठा हुआ, मुझे क्या मालूम कौन बच्चा क्या कर रहा है, तो मैं तो सीधा बोलूंगा कि अब बोलेगा ये देखिए वीडियो, मैंने कहा ये वीडियो कहाँ यार, ये तो ऐप से क्या किया गया, एडिट किया गया, तुमको इतना समझना चाहिए यार, है कि नहीं, तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। फिर वो वही लायबल होगा स्टूडेंट पे, स्टूडेंट को पकड़ा जाएगा, जहां पकड़ेगा रेस्टोरेंट वाला वहीं ढूंढ देगा पकड़, तो ऐसे यहां पे बता तो कहां लिखा हुआ है कि वो आदमी लायबल होगा जो गलत होल्ड आउट कर रहा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है? हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी वन, ये गलत आदमी है, इसका मतलब एनी वन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो इसी को तो बोलते हैं पर्सोनेट करता है, क्या पर्सोनेट करता है कि मैं पार्टनर हूं पर वो पार्टनर नहीं है, तो लायबल भी तो उसी को किया है, इसी पर्सन को किया ना, तो जब वही पर्सन लायबल है इसका मतलब फर्म लायबल नहीं है। अच्छा क्लियर है ना, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट करेगा वो भी वो खुद ही लायबल होगा, उसके लिए बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वो सच में बोलने के लिए पार्टनर है पर सच में वो पार्टनर तो है ही नहीं।